फ्रेंड्स देखो आज हम आपके लिए लेकर आए एलसीएम तथा एचसीएम का पार्ट नंबर 4। देखो फ्रेंड्स हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 पहले अपलोड कर दिया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो फ्रेंड्स हम पार्ट नंबर 4 में आपको बताएंगे दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएम। चलो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स हम दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएम देखने से पहले एक भिन्न संख्या का एलसीएम देखते हैं, एलसीएम देखते हैं और एचसीएम देखते हैं, जिससे कि आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाए। देखो पहले हम किसका देखते हैं, भिन्न संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या है, ये भिन्न है, तो आप देखते हैं इसका क्या एलसीएम और एचसीएफ। देखो इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे पहले हम करते हैं जो भी कट रहा हो उसे काटेंगे। देखो 12 और 21 ये दोनों कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। देखो 3 चौक 12 3 7 21 कट रहे हैं नहीं कट रहे, हाँ कट रहे हैं। अब देखो हमने क्या कर दिया, 4 अपॉन 7 वो देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा, 7 एकम 7 7 दुनी 14 1 अपॉन 2। अब इनका क्या निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ जो भी हमें निकालना हो। देखो हमें पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला था यदि एलसीएम निकालना हो तो पहले ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। देखो इनका इनका एलसीएम क्या है, 4। कैसे, हम बड़ी संख्या को पकड़ेंगे और बड़ी संख्या को देखेंगे, मतलब जो छोटी संख्या थी बड़ी संख्या को काट रही है तो ही क्या उसका एलसीएम है। अब देखो हम देखते हैं इसका एचसीएफ, क्यों, क्योंकि हमें बटे की संख्या का क्या निकालना होता है एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, पहले हम पकड़ेंगे छोटी संख्या। अब देखो छोटी संख्या दोनों संख्या को डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, अब देखो जब दो कभी इससे भी नहीं कर रही डिवाइड लेकिन इससे कर रही है, हम इसे क्या करेंगे ब्रेक, क्योंकि अभी इसने दो ने दोनों को डिवाइड नहीं करा, अब हमने इसे ब्रेक करा। ब्रेक कैसे हो गया, 2 एकम 2। अब देखो एक दोनों को डिवाइड कर देता है इसलिए इसका एचसीएफ कितना गया 1। लेकिन मैं इसका यदि एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ कैसा आएगा, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना मुझे एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ क्या आ गया इसमें, एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले छोटी संख्या पकड़नी है, छोटी संख्या इसमें कौन सी है ये वाली, अब ये छोटी संख्या इसे डिवाइड कर रही है, हाँ कर रही है, इसे भी कर रही है, इसलिए इसका एचसीएफ आ गया 1। अब देखते हैं हम इसका एलसीएम, क्यों, क्योंकि जब हमने ऊपर वाली संख्या का निकाला एचसीएफ नीचे वाली का निकालेगा एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, पहले बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, बड़ी संख्या इसमें क्या है 7। अब देखते हैं 7 यानी कि 7 को छोटी संख्या डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, देखो 2 7 को डिवाइड कर देती है, कभी नहीं करती, जब नहीं करती तो हम उसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 दुनी 14 ये इसका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। देखो फ्रेंड्स मैं आपको यदि आप पूछते हो कि हम इसे डिवाइड ही क्यों करें, हम सीधा इसका डायरेक्ट भी तो एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते तो वो गलत हो जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं, देखो डिवाइड करके तो देखो ये आया एलसीएम और एचसीएफ, अब देखता हूं मैं बिना डिवाइड के 12 अपॉन 21 ये देखो 7 अपॉन 14 देखो तो डिवाइड करके आया, अब देखता हूं मैं बिना डिवाइड के, अब देखो यदि मैं बिना डिवाइड के करूं मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या का क्या करना मुझे एलसीएम। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या पकड़ेंगे, बड़ी संख्या इसमें क्या 12, अब 12 को देखेंगे कि छोटी संख्या डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, यदि कर रही है तो हम नहीं लेंगे और यदि कर रही है तो सॉरी नहीं कर रही तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 7 इसे डिवाइड कर देता है नहीं करता तो हम इसकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 12 7 7 14 1 7 7 8 8 12 7 84। अब देखो नीचे वाली का क्या करना मुझे एचसीएफ, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर वाली संख्या क्या करा एलसीएम करा, तो अब नीचे वाले क्या करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे हम छोटी संख्या को पकड़ेंगे और छोटी संख्या को देखेंगे कि छोटी संख्या इसे डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, नहीं कर रही इसे तो, लेकिन हम इसका देखेंगे कौन सा पार्ट डिवाइड कर रहा है, हम इसे क्या कर देंगे ब्रेक, 7 गुना 2 हो सकता है 7 दूनी 14। अब देखो 7 इसे डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसे कर रहा है, कर रहा है, तो इसलिए इसका एक्सेप्ट कितना है 7। अब देखो फ्रेंड्स यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा 12। अब देखो इसका एलसीएम आया 12 और
डिवाइड करके एलसीएम आया कितना, 4/1। इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये है, ये नहीं है। इसलिए आप कभी भी क्या करेंगे, सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे यदि वे डिवाइड हो रही है संख्या। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि देखो संख्या नीचे सेम हो जाए, देखो यदि मैंने क्या किया, मैंने 24 लिखा और इसके नीचे भी 24। अब देखो नीचे संख्या क्या है, इक्वल। जब संख्या इक्वल हो तो हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। देखो 12 से डिवाइड हो रहा है लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे। यदि देखो ऐसा हो जाए, अब देखो ये डिफरेंट है, अब इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर संख्या आ जाए सेम, देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको 12/12। अब देखो 12/24, 12/25। अब देखो ऊपर संख्या क्या हो गई, सेम। तो कहने का मतलब अब भी हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका यहां आ जाए संख्या, आप देखो सेम नहीं बैठ रही, अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यदि अंश सेम है तो डिवाइड नहीं करेंगे, या हर सेम है तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब चलो चलते हैं, हम देखते हैं भिन्न को, सॉरी दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएम। देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो इसका हम देखेंगे पहले एलसीएम फिर एचसीएम। देखो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने अंक है। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक है, दो अंक। पॉइंट के बाद कितने हैं, एक अंक। देखो ये दो अंक, ये दो अंक, कितना अंक है, दो। तो हम क्या करेंगे, सबके बाद यानी कि पॉइंट के बाद हम दो अंक बना लेंगे। इसके बाद मैंने दो अंक बनाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दो अंक हैं और इसके बाद मैंने बना लिए दो अंक। अब क्या करेंगे हम, मैंने ये पॉइंट हटा दिए, क्या किए मैंने, पॉइंट हटा लिए। देखो यदि मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से, देखो 50/100। कैसे, जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो दो जीरो आ जाएगी, क्यों आ गई दो जीरो, देखो पॉइंट कितना अंक बाद है, एक दो अंक बाद। ऐसे इसमें हो जाएगा 5/100। अब देखो ऐसे इसमें हो जाएगा 20/100। अब देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जब भी संख्या क्या हो जाए, या तो अंश में सेम हो जाए या हर में सेम हो जाए, तो हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। देखो यहां सेम सेम हो गए संख्या, तो जब सेम होगी तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं सेम संख्या का, देखो यदि सेम संख्या दी है ना, दो दो दो, यदि मेरे से इसका एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम भी दो ही होगा और एचसीएफ भी कितना ही होगा, दो। कहने का मतलब सेम संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सेम होता है। अब देखो यदि मेरे से पूछा जाए 100/100 का एलसीएम क्या होगा, तो 100 होगा। एचसीएफ पूछा जाए तो 100 होगा। अब देखो मैं निकालता हूं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ऊपर वाली संख्या का क्या कर दो, एलसीएम। मैंने आपको बताया एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले पकड़ते हैं बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या है इसमें क्या 50। अब देखते हैं छोटी संख्या से डिवाइड कर रही है नहीं कर रही, 5 से डिवाइड कर देता, हाँ कर देता है, इसलिए हम इसे काट देंगे। 20 से डिवाइड कर देता है, नहीं करता, तो हम क्या करेंगे 20 को ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि 20 की वह संख्या देखेंगे इसे डिवाइड कर रही है नहीं कर रही जोन से। देखो 10 × 20, अब 10 से डिवाइड कर देता है, 10 × 50 आया कितना, 5। 10 × 50 तो होता है 10 × 50, 5 है। अब देखो 2 5 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता। कहने का मतलब 10 तो डिवाइड कर रहा था लेकिन 2 नहीं कर रहा। अब 2 की किस में कर देगा मल्टीप्लाई, 50 में, 50 × 100, इसका क्या आ गया एलसीएम। अब देखो नीचे का एचसीएफ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100। देखो आप बिल्कुल ही बिना देखो कर देंगे, कैसे, किसी जब भी संख्या क्या हो जाए सेम, तो उसका एलसीएम भी वही होता है और एचसीएफ भी। तो हमने इसका एचसीएफ कितना का 100। अब देखो मैं इसका क्या निकालता हूं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मुझे ऊपर वाली संख्या क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले पकड़ते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 5। अब देखो 5 इसे भी डिवाइड कर रही है, इसे भी डिवाइड कर रही है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना का है, 5 ऊपर वाली संख्या का। और नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 100। क्यों, क्योंकि नीचे संख्या है सेम। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, 1,
और इसका एचसीएल कितना गया, एक अपॉन 20। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसे देख तो साथ कर देंगे। देखो अब क्या करना है, मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। मैंने क्या किया, आपको पहले देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, ज्यादा से ज्यादा। देखो ये तीन है तो मुझे इनके पीछे भी क्या बनानी है, तीन अंक। देखो ये बन गए तीन, देखो तीन, एक दो तीन। मैं थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए, ये दिख गया तो कितना हो गया, ये भी तीन अंक हो गए, ये भी तीन हो गए। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो। मैंने पॉइंट हटाए, अच्छा पॉइंट हटाए तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, तीन जीरो। अब मैंने ये वाला पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो आ गई, तीन जीरो। अब मैंने ये वाले भी हटा दिया तो कितनी जीरो आ गई, तीन जीरो। अब देखो फ्रेंड्स ये जीरो 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 आठ क्या हो गया, आठ ही तो है। मैंने ये दी मिटाया तो देखो आप इसे आप आठ भी तो समझ सकते हो, इसे मैंने इसके आगे की जीरो हटा दी और इसके आगे की मैंने जीरो हटा दी। अब आपको देखो ये देखने में सिंपल हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम। देखो देख तो साथ ही कैसे होगा, एलसीएम ऊपर वाली संख्या क्या निकालना मुझे, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, बड़ी संख्या पकड़ो, बड़ी संख्या मैंने पकड़ ली। अब देखते हैं छोटी संख्या से डिवाइड करी है नहीं करी। देखो 20 से कट जाता है कितने बार, 20 बार। 8 ही बार देगा, 8 यानी 50 बार, 8 पंजे 40 यानी कि 8 पंजे 40 अब 0 तो यानी कि 50 बार। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 400। क्यों आया, क्योंकि ये भी इसे डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है। अब देखो इसका एचसीएफ कितना आ गया, ये लिख दें क्यों, क्योंकि सेम संख्या का एचसीएफ और एलसीएम सेम होता है। अब आते हैं हम एचसीएफ की तरफ। इसे देखो एचसीएफ क्या होता है, पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, 8। अब 8 इसे डिवाइड कर रही है, हाँ इसे भी कर रही है, तो इसलिए इसका 8 एचसीएफ होगा। नीचे एलसीएम कितना आया, 1000। आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटा, देखो 2 बार और 1 कटा 2 पंजे 10। अब 2 अपॉन 5, इसे भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। देखो अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इससे और बड़ा। देखो फ्रेंड्स अब क्या करना है, पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक देखते हैं किसमें, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे 2 अंक पॉइंट के बाद। देखो ये तो 2 अंक है, इसमें बना लिए और हमने इसमें बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट हटाया 2 क्या आ गई, 0। क्यों है ये जो 2 0, देखो पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद, इसलिए हमने 2 जीरो लगाई। अब हमने देखो इसे हटाया 2 जीरो, इसे हटाया 2 जीरो, ओके। अब देखो मैंने ये वैसे मिटा दी जिससे कि आपको देखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। देखो किसी भी संख्या के आगे यदि जीरो लगी हो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, मैंने इसे भी हटा दिया। अब देखो फ्रेंड्स क्या करना है, यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या पकड़ते हैं, बड़ी संख्या ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये है। अब देखो फ्रेंड्स 36 इसे डिवाइड कर देता है, यस कर देता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो मैं पहले ब्रेक करता हूं, ब्रेक से बहुत आसानी हो जाएगी, आप भी ब्रेक करके करना। देखो 6 6 36, अब हम देखो इतने का 36 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, हम 6 6 से करके देखते हैं। देखो 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 8 48 यानी कि 80 बार। अब देखो 6 इसे ब्रेक नहीं करता, अब क्या करेंगे, देखो 6 8 48 0, ओके। आप देखो ये जो 6 है, अब इससे देखते हैं, देखो ये तो काट दिया, कहने का इसने तो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब इसको देखते हैं 6 से डिवाइड कर रहा है, कभी नहीं करता, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक 3 दो। अब देखो 3 इसे डिवाइड कर देगा, कभी नहीं करता, 2 कर देता 40 बार, तो ये तो कर दिया, हम इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब कितना आएगा 3, तो कहने का 3 की तो मल्टीप्लाई इसमें होनी है। अब देखते हैं 120 को, 120 से पूरा डिवाइड कर देता है 12 4 48, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 की कर दो इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो 3 8 24, 2 3 चौक 12 2 14।
अब इसका वो एचसीएम कितना आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि सेम संख्या का एलसीएम और एचसीएफ सेम होता है। अब मुझे क्या निकालना है इसका एचसीएफ। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही सवाल में दो दो सवाल करके दिखा रहा हूं। देखो एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी। अब देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया आपको, छोटी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या इसमें क्या है 36। अब 36 इसे डिवाइड कर देता है। हाँ नहीं, देखो फ्रेंड्स इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा था, हमने देखा था ना अभी। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक, नो चोक 36। देखो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। मैंने आपको पहले बता दिया है पहली वीडियो में, देखो मैं इसमें बता रहा हूँ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट। यानी क्या हाईएस्ट देखना है। देखो ये तो हाईएस्ट नहीं थे, 6-6 ये तो सेम थे, हम देखते हैं इसमें क्या हाईएस्ट। तो देखो नो इसे भी डिवाइड कर रहा है, नो इसे डिवाइड कर रहा है, ए नो नहीं कर रहा इसे डिवाइड। तो जब नहीं कर रहा तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। 4 इसे डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। अब देखो नो, अब देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट। नो तो हाईएस्ट था, अब नो से थोड़ा सा कम क्या है 6। पहले हम देखेंगे 6 को, 4 को नहीं देखेंगे, क्योंकि 4 को देख लिया तो गलत हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, हम 6 को। यदि 6 नहीं आता तो हम 4 को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बड़े को। देखो 6 इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी और इसे भी, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना गया 6। देखो मैं बता रहा हूं 6×6=36, 6 से इसे डिवाइड करे तो 20। लेकिन 6 से डिवाइड नहीं करता। आप देखो इसे चेक करके देखते हैं, 6×48। देखो फ्रेंड्स यहां पर एक दिक्कत हो गई है, 6 इसे भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसे भी कर रहा है और इसे भी कर रहा है, लेकिन 6 में से 2 × 3=6, 2 इससे भी डिवाइड करता है कैसे। देखो 6×36 और जो बचा 6, जो 6 आया 6 को यानी कि 2 डिवाइड कर देता है। अब देखो यहां मैंने कितना करा, 6 से 6×2=12 यानी कि 20 आया था, 20 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो यहां 80 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा 6×2=12। मैंने गलत कर दिया था, 6×2=12। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, अब देखो हम इसे, देखो हम फ्रेंड्स काट भी सकते हैं, आप इसे काट के देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा देखेंगे पॉइंट के बाद अंक कितने हैं। देखो 2 हैं, हम इसके बाद भी कितने बनाएंगे, 2 बना लिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आया 2 0। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो संख्या के आगे इसके तो 0 है नहीं, इसके आगे 0 है, मैंने इसे मिटा दिया, अरे मैंने मिटा दिया इसे। देखो आप मिटा भी नहीं सकते, मतलब कि यदि आप मिटाना चाहे तो मिटा भी सकते, नहीं भी मिटा सकते। मैं तो आपको मिटा कर दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी से देखने में दिक्कत हुए दिक्कत ना हो। देखो आप क्या कर देंगे, मुझे इसका क्या निकालना है एलसीएम। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को आपको पता है 16 से डिवाइड कर देगी 20 बार, 16×2=32। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम आना 320 अपॉन, क्योंकि देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी आ। अब देखता हूं एचसीएफ को, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या पकड़ते हैं, छोटी संख्या से भी डिवाइड कर रही है, ऐसे भी कर रही है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया फ्रेंड्स 16 अपॉन ना 100। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा 100 ही होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया है दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।